राजधानी दिल्ली में अब तक सर्विसेज को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच खींचतान चल रही थी और दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा था, लेकिन दिल्ली सर्विसेज बिल के कानून बनने के बाद दिल्ली सरकार के तेवर में नरमी नजर आ रही है। केजरीवाल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक यह कानून है तब तक वे इसका सम्मान करेंगे और उसके अनुरूप ही दिल्ली की जनता के लिए कार्य किए जाएंगे। बता दें कि सर्विसेज को लेकर केंद्र सरकार ने GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2023 से जुड़ा एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया था जिसमें सर्विसेज का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया गया था। अध्यादेश को लाने के बाद से सीएम केजरीवाल लगातार केंद्र पर हमलावर बने हुए थे और इसके खिलाफ विपक्षी दलों को लामबंद भी कर रहे थे। बहरहाल यह बिल सांसद से पास होकर कानून बन गया जिसे मानना अब दिल्ली सरकार की मजबूरी भी है। हालांकि दिल्ली सरकार ने केंद्र के इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन अब तक उस मामले में सुनवाई शुरू नहीं हुई है।